वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारा लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप बेला दे रहा तामीन है क्या बोल के ना। तो आज मैं आप सब लोगों की कंफ्यूजन को क्लियर करने वाली हूँ। तो मेरा नाम है बोमतरलाय और मैं बासार लपरादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और अब जिनके बारे में बोल रहे हैं ना, वो मैं नहीं हूँ। उनका असली नाम तो मुझे नहीं पता, पर यूट्यूब में बेला देरा तामीन बोल के है। तो वो भी एक्चुअली हमारे अरुणाचल का ही है। अरुणाचली एक यूट्यूबर है, बहुत जाना माना यूट्यूबर है, और वो फ़िलहाल अभी मुंबई में रहते हैं। और हम दोनों का डिस्ट्रिक्ट जो अलग अलग है ना, वो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और मैं बासार लपरादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, पर अरुणाचल का ही है। और मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं उनका हर एक वीडियो को देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ना उन्हें देख के। तो बहुत सारा लोग मुझे कहते हैं कि आप उसका जैसे देखते हैं बोल के ना। और आप लोग सिर्फ नहीं है, हमारे यहाँ के मेरे पड़ोसी लोग भी और मेरा दोस्त लोग भी मुझे बोलता है कि तुम बेला देरा तामीन जैसे लगते हैं बोल के ना, क्योंकि हमारे यहाँ के अरुणाचल का थोड़ा मतलब लुक्स जो सेम होता है ना, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा होगा कि थोड़ा मैं वो नहीं, मैं कहीं वो तो नहीं हूँ ना बोल के ना, पर मैं वो नहीं हूँ। हमारे यहाँ का ज़्यादातर थोड़ा सेम ही लगता है, आँख ये सब भी थोड़ा फोल्डिंग ये सब कम होता है ना, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है, पर मैं वो नहीं हूँ। तो आई होप कि अब लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, हम आए हुए हैं, अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पे त्रिबेदा बुद्धिस्ट टेम्पल पे। तो आपको मैं यहाँ की कुछ छोटा सा नज़ारा दिखाऊंगी। तो चलिए, ये है एंट्री, ये है, यहाँ से एंट्री होता है। यहाँ पे भैया स्कूटी धुला रहे और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है। गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे पानी डाला जाता है जब सांगिन फेस्टिवल होता है तब। और हमारे अरुणाचल में उस फेस्टिवल को ज़्यादातर कामती, शिंगपो, कामयंग और थंगसा ट्राइब के लोग मनाते हैं। और इसको तो आप देखा ही होगा, ये है अशोक स्तंभ जो कि हमारे नेशनल एम्बलम है। इसको आप ज़्यादातर इंडियन करेंसी नोट में देखा होगा, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है। और गाइस, वो जो व्हील जैसे देख रहा है वो है धर्म चक्र, उसी से हमारे नेशनल फ्लैग का चक्र को लिया गया है। और ये है टेम्पल, त्रिबेदा बुद्धिस्ट टेम्पल। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। तो गाइस, अभी हम यहाँ के अंदर की तरफ जाएंगे। जिस भी टेंपल में जाने से पहले अपना शूज जूता खोलना चाहिए। तो मैं यहाँ रख रही हूँ अपना चप्पल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिबेदा बुद्धिस्ट टेंपल, त्रिबेदा बुद्धिस्ट टेंपल।
और गाइस ये है स्तूपा। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है बोलने से ना, जो बड़े बड़े मॉन्क्स लोग होते हैं ना, वो लोग के मरने के बाद उसके क्रीमेटेड रिमेन्स या फिर उसके कुछ सामान वगैरह को यहाँ पे रख के उसका स्तूपा बनाया जाता है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए, तो चलिए चलते हैं। मुझे यहाँ पे एक बॉडीगार्ड दिखाई दिया है, तो आप लोगों को मैं दिखा दूंगी। एक गेटकीपर, मुझे यहाँ पे एक गेटकीपर मिल गया है, शायद ये यहाँ का गेटकीपर होता हो, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये रहा हमारा गेटकीपर। नाम को बोलो ये दिखाए था नाम करने से। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, तो ये देखो आप लोग भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं बाजार इंडिया की ओर, थोड़ा कुछ पापा के लिए कुछ जैकेट देखना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस में मिल जाता है, रीजनेबल प्राइस में। मेरा वीडियो देखने के लिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने के लिए। और आप मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।